Dear yours, today I am going to discuss regarding effect of anabolism. Kaph vikar kya hai? We have already discussed in our last video how kaph creates total solution for the body. Whatever food we are taking, that is converted into nutrients, रस जिससे प्लाज्मा की तरह होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये न्यूट्रिएंट एनर्जी ही वात एनर्जी और पित्त यानी थर्मल एनर्जी, इन सब के इफेक्ट से हमारे शरीर में प्रक्रियाएं करता है. समझते हैं किस तरीके से हमारे फूड से जो रस बना, जिसे हम आहार रस कह सकते हैं, पहले आहार रस से रस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्लाज्मा की तरह, और इसमें रसाग्नि से शोधित होकर प्रोसेस्ड होकर ये रक्त में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड टिश्यूज बन जाते हैं. ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से इसको रिपीट कर देते हैं. और वही मांसाग्नि से मांस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि मसल्स बन जाते हैं और हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है. व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द ब्रेन्स, वी आर एबल टू कन्वर्ट इनटू एक्शन. और यही मसल्स जब मेदाग्नि इसके साथ शोधित करती है, प्रोसेस करती है, तो देन फैट में कन्वर्ट. This fat is responsible for the development of the nervous system, brain, जिससे कि adrenal cortex भी guided होता है. Brain में hypothalamus होता है जो कि adrenal cortex को guide करता है. This adrenal cortex is responsible for creating the stress, which increase with the chances of weight gain or obesity. Then fat is, you can say the fat is responsible for the increasing the weight. इसके बाद अस्थियाग्नि से प्रोसेस होके इससे बोन्स बनती है, then bone marrows बन जाती है, मज्जाग्नि से प्रोसेस होके शोधित होके उसके बाद शुक्र आदि और ओज ये सब बनते हैं. तो इस तरह से देखा जाए कि वात पित्त और कफ तीनों के सम्मिलित प्रयास से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है. तो फॉर स्ट्रक्चर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, हमारा एनाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, अवर कफ इज रिस्पॉन्सिबल. तो कफ से स्ट्रक्चर बनता है, साथ में कफ से हमारा नर्वस सिस्टम भी बनता है. तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, जब हमारा नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है, आहार रस शरीर में अच्छा होता है, तो क्या होता है, हमें स्टडीनेस आती है, एक गंभीरता आती है, जिससे हम हर बात पे उछलते नहीं हैं और हमारा बॉडी का सिस्टम ठीक रहता है. हम चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं करते जल्दी से. साथ में ही अगर देखा जाए माइंड में अगर रस ज्यादा होगा, क्योंकि रस भी सब जगह सर्कुलेट होता है, रक्त भी सभी जगह सर्कुलेट होता है, मांस भी सभी जगह पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो माइंड में फॉगीनेस आएगी. एक डायबिटिक कोमा का इफेक्ट भी पड़ सकता है, कभी चांसेस होते हैं अगर वर्ष से कम चांसेस हो जाए. इसी वजह से लिथार्जिक जो भी कफ प्रवृत्ति के लोग होंगे वो थोड़े लिथार्जिक भी होते हैं, हाई लिथार्जी पैदा हो. साथ में ही जब रस बढ़ता है, रस ज्यादा होता है, तो और रक्ताग्नि और रसाग्नि अगर कमजोर है तो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, कार्डियो रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, एचडीएल कम हो सकता है. एक अच्छा प्रभाव होता है जब भी हमारे में कफ प्रवृत्ति है,
जिनको भी कफ डोमिनेंट है उनके नेचुरल किलर्स ज्यादा होंगे। जब नेचुरल किलर्स ज्यादा होते हैं तो इम्यूनिटी अच्छी होती है, बात बात में बीमार नहीं पड़ते, उनकी इम्यूनिटी से स्ट्रांग रहती है। तो इस तरह से देखा जाए कि हमारे कफ के बढ़ने से कुछ अच्छे कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अगर देखा जाए कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है तो हम चूक ओवर ईटिंग करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से स्टमक में हैवीनेस आ जाता है, सलाइवा ज्यादा बनता है, हमारी खाने के प्रति रुचि पुअर एपिटाइट हो जाता है, खाने की रुचि कम हो जाती है, नौजिया की टेंडेंसी बन जाती है, कभी ओवर ईटिंग हो जाए, स्लो मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत स्लो हो जाता है, इस वजह से क्योंकि रक्ताग्नि क्वालिटी ऑफ रक्त क्वालिटी ऑफ ब्लड टिश्यू क्वालिटी ऑफ फ्लैश टिश्यू क्वालिटी ऑफ फैट टिश्यू कम होते हैं और क्वांटिटी ज्यादा होती है, इस वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ओबेसिटी बढ़ेगी और जब ओबेसिटी बढ़ती है तो चांसेस डायबिटीज की भी हो सकती है। तो इस तरीके से कार्डियक रिस्क भी है और डायबिटीज भी है। हमारे रस बढ़ने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रस बढ़ेगा लिक्विड ज्यादा होगा तो कफ बढ़ सकता है, खासतौर से सर्दी के टाइम पर हमारा कफ सॉलिड हो जाता है और वही जब थोड़ा सा बसंत आता है थोड़ा सा पिघलने लगता है तो हमारी रनिंग नोज हो सकती है, हमें फीवर भी आ सकता है कोल्ड की वजह से, क्योंकि कफ प्रवृत्ति के लोगों को ठंड भी ज्यादा लगेगी क्योंकि रस ज्यादा बन रहा है, उनका पित्त कमजोर है, अग्नि कमजोर है, इस वजह से ठंड भी ज्यादा होने लगती है, पित्त के लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, वही कफ के लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है। साइनस भी हमारा इफेक्टिव हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, रनिंग नोज और फ्रिक्वेंट कोल्ड हमें महसूस होगा, क्योंकि इससे फ्लैश भी बनता है तो कभी कभी सिस्टिक फाइब्रोसिस होने के चांसेस भी ज्यादा बनते हैं, एसिड फेलगम होता है और एक्सेस यूरिनेशन भी, क्योंकि रस ज्यादा है और क्वालिटी रक्ताग्नि की कमजोर है, रसाग्नि की क्वालिटी कमजोर है, इस वजह से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जिससे कि वाटर बैलेंस हमारा बना रहे, और जब लिक्विड ज्यादा होगा तो जॉइंट्स में स्वेलिंग होने के चांसेस रहेंगे, खासतौर से विंटर में बहुत से लोगों ने देखा होगा कि उनके उंगलियों के ज्वाइंट्स स्वेलिंग हो जाती है, लेटर स्टेज में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी हो सकता है, ये सब कफ विकार के कारण होते हैं। समझते हैं कि कफ विकार किस तरीके से हमारे शरीर को तरह तरीके से प्रभावित करता है। ये कफ विकार होते कब है, इनके कारण क्या है, इसे बहुत से कारण है, उसमें कुछ कारण हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। सो मेजर कॉज ऑफ कफ इम्बैलेंस इंक्लूड्स एक्सेसिव फूड कंजम्पशन, ओवर ईटिंग, ईटिंग हैवी मील्स और ओवर ईटिंग, व्हेनेवर द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड देन इट प्रोड्यूसेस आव, और आव जो है वो शरीर में सर्कुलेशन के साथ जा सकता है, आव मीन्स टॉक्सिन्स, और यही एक्सेस कफ का सबसे बड़ी परेशानी है, आप जहां जहां जाएगा जहां जहां टॉक्सिन इकट्ठे होंगे वहां वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे कोलेस्ट्रॉल भी इसी वजह से बढ़ जाता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो जाता है कभी कभी, तो सब आम ही उसको प्रभावित करता है। सेकेंड रीजन है ईटिंग कफ अग्रेवेटिंग फूड, कफ अग्रेवेटिंग फूड क्या है, स्वीट साल्टी फूड्स, दीज आर द अग्रेवेटिंग कफ, फैटी फूड्स ज्यादा तले फले जो खाना है वो भी जो है वो कफ
बढ़ा देता है। इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर हम दूध दही मक्खन मीठा आइसक्रीम और फैट बटर घी ये ज्यादा खाएंगे, तले फले ज्यादा लेंगे, तो भी हमारा फैट एग्रीवेट हो जाएगा, हमारा कफ एग्रीवेट हो जाएगा। और नेक्स्ट रीजन है कि इफ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज और अगर फिजिकल एक्टिविटी इज लेस देन कफ विकार पड़ जाएगा। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वेनस सिस्टम हमारे शरीर में एक्ट करता है। वेनस सिस्टम क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं उससे रक्त बनता है, वो ब्लड हार्ट पे जाता है सर्कुलेशन के लिए। और हार्ट की दो एक्टिविटी है, सिस्टमिक एक्टिविटी और पल्मोनरी एक्टिविटीज। तो ब्लड जो शरीर के ऊपर जाता है आर्टरीज के थ्रू और वेन से और ग्रेविटी से वापस आ जाता है, लेकिन अगर हार्ट के नीचे लेवल पे जाता है तो उसको वापस लाने के लिए वेनस सिस्टम करता है। मतलब हमारे तीन तरह के वेन्स होते हैं, सुपरफिशियल वेन्स जो आपको काफ मसल्स में दिखाई देते हैं, और परफोरेटेड वेन्स जिनके थ्रू ये हर कैविटी में, हर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पास होते हुए डीप वेन्स में इकट्ठा हो जाता है और डीप वेन्स ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में पहुंचा देते हैं। ये डीप वेन्स कब ज्यादा एक्ट करेंगे? जब हम चलेंगे, जब हम वॉक करेंगे, यहाँ कोई एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, तो हमारी कफ मसल से ब्लड वेन के द्वारा हार्ट में वापस पहुंच जाता है, जिससे कि लंग्स में ये फिर ऑक्सीजन ले ले और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो क्या होगा? ये हमारी वेट गेन होगा और कफ प्रवृत्ति बढ़ेगी। एक्सरसाइज इज पंप अप हार्ट रेट, दिस बर्न कैलोरीज और इंप्रूव आवर मूड आल्सो। हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, इसलिए एक्सरसाइज इज मस्ट इफ यू वांट टू कंट्रोल योर कफ। फर्दर हमारी कफ प्रवृत्ति बढ़ती है इफ यू आर स्लीपिंग एक्सेसिवली, ज्यादा हम सोते रहते हैं। इवन स्लीपिंग ड्यूरिंग डे इज प्रोहिबिटेड। इफ यू आर स्लीपिंग ड्यूरिंग डे पीरियड, दिन में सोना हमेशा कफ को बढ़ावा देना है, कफ विकार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, अगर हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, लालच होगा, संचय करने की, संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी, लोभ होगा, तो भी कफ की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कफ वालों को चाहिए वो कोल्ड एक्सपोजर से दूर रहे। हमें इतना कपड़े पहने रहने चाहिए, इतने वस्त्र जो है इतने ज्यादा शरीर में रहने चाहिए कि कोई कोई भी अंग शरीर का कफ से एक्सपोज ना होने पाए, क्योंकि कफ एक्सपोजर क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर कफ की प्रवृत्ति बढ़ा देता है, जिससे बहुत सारे कफ विकार पैदा होने के चांस रहते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम कफ जनित रोग और उनके इलाज के बारे में बताएंगे। तो साथियों, आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम बनाए वो आपको फौरन ही मिल जाए और आप उसे देख सकें। धन्यवाद।